वेलकम बैक टू आवर चैनल सिस्टर्स मैजिक। मैं आपकी सिस्टर आज आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आ गई हूँ, क्योंकि विंटर्स आ चुके हैं, हर जगह आ चुके हैं और मेरा फेवरेट सीजन है। मुझे बहुत अच्छा लगता है विंटर्स में, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी स्किन, हमारी बॉडी, हमारे हेयर्स पे आ जाते हैं, क्योंकि विंटर्स पे स्किन की बहुत बुरी हालत हो जाती है, स्पेशली ड्राई स्किन वालों की। तो आपकी इन सारी दिक्कतों को आज मैं सॉल्यूशन लेके आई हूँ। और आपकी बहुत छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं जो हम करके अपनी स्किन को खराब कर लेते हैं विंटर्स में, बहुत छोटे छोटे मिथ होते हैं कह लें आप, जिनको हम गलत फहमी लेके बैठे रहते हैं और हम उन चीजों को फॉलो करते हैं, हमें लगता है उनसे जो कोई नुकसान नहीं होता है। ऐसी ऐसी चीजों के बारे में आपसे बातें करने आई हूँ, जिन्हें आप छोटी छोटी चीजों को अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपकी विंटर्स की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को टैप करना है और इस वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले बात करते हैं हम सर्दियों में सबकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, स्पेशली जिनकी स्किन ड्राई होती है उनकी स्किन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ऐसे में आपको विटामिन ई युक्त मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। विटामिन ई सर्दियों में हमारे फेस के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। और आप अपने फेस को नॉर्मल वाटर से धो लें और उसके बाद अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगाएं। रात में अपने फेस को मॉइस्चराइज जरूर करें। जब भी आपको ड्राइनेस फील हो, आप दिन और रात में 3 से 4 बार अपने फेस में मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। इससे क्या होता है, आपकी स्किन की जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रहता है और आपकी स्किन और एक्स्ट्रा ड्राई नहीं होती है। सो विंटर्स में आप पेट्रोलियम जेली का यूज करें, बॉडी बटर का यूज करके अपनी बॉडी की, अपनी स्किन की नमी को लॉक करके अपनी स्किन को खूबसूरत और सुंदर ही बनाकर रखें। और बहुत ही बेसिक सी चीज, अपनी स्किन को आप ग्लव्स, स्कार्फ और स्वेटर पहन के अपनी बॉडी को गर्म रखें, जिससे आप अपने विंटर्स को एंजॉय कर सकें। सो सर्दियों में हम सभी गर्म पानी से नहाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबको बहुत ठंड लगती है, जिसके लिए गर्म पानी से नहाना अच्छा होता है। लेकिन ध्यान रहे, जो गर्म पानी होता है वो ज्यादा गर्म न रहे। हम सभी उतना ही पानी अपने स्किन पे लगाते हैं जितना हमारी स्किन बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन पानी हमेशा ल्यूकवार्म वाटर होना चाहिए। अगर आप ज्यादा गर्म पानी से नहाते हैं तो उससे आपकी स्किन की जो नमी है वो खत्म हो जाती है और आपकी स्किन फटने और ड्राई होने लगती है। इसलिए हमेशा हल्के गुनगुने पानी से ही नहाएं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सर्दियों पे अपने फेस को गर्म पानी से धोते हैं, बालों को गर्म पानी से धोते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अपने फेस को और बालों को कभी भी गर्म पानी से वॉश नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे पोर्स खुल जाते हैं गर्म पानी से और हमारी स्किन पे गंदगी जम जाती है, स्किन फट जाती है, स्किन का ग्लो चला जाता है, स्किन का नेचुरल मॉइस्चर खो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए कितनी भी ठंडी हो, अपने फेस और अपने बालों को आप हमेशा ठंडे पानी से ही धोने का सोचें, कोशिश करें। और अगर आप बहुत ही ज्यादा ठंडे जगह में हैं तो आप ल्यूकवार्म वाटर का यूज कर सकते हैं, जो कि ठीक होता है, लेकिन गर्म पानी का यूज आप बिल्कुल भी ना करें। तो जी, सर्दियों में हम सभी को धूप सेकना बहुत पसंद होता है, क्योंकि हल्की गुनगुनी धूप सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है और हम सब सर्दियों में धूप लेते हैं, जो कि बहुत अच्छा भी होता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना होता है कि सर्दियों की जो धूप होती है वो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल नहीं होती है, उस पर अगर आप सनब्लॉक, सनस्क्रीन का यूज नहीं भी करते हैं तो आपकी स्किन नॉर्मल रहती है। तो मैं आपको कह दूं कि ऐसे लोग बहुत ही गलत सोच रहे होते हैं, क्योंकि सूर्य के किरणों में मौजूद अल्ट्रा वायलेट रेंज की किरणें आपकी स्किन को बहुत हार्म कर सकती है, आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स बढ़ा सकती है, जो कि सुबह 10 बजे से शाम के 3 बजे तक धूप में मौजूद होती है। इसलिए आप जब भी धूप में बैठे सन ब्लॉक का यूज जरूर करें। सो ये थी आज की वीडियो, छोटी छोटी गलतियां जिन्हें हम करके अपनी प्रॉब्लम्स को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, और इन्हीं छोटी छोटी गलतियों को अगर हम खत्म कर दें और कुछ चीजों को फॉलो कर लें तो हमारी जो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती हैं और हम अपने डेज को, अपनी छुट्टियों को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।